दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी ने केंद्र पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई का सहारा लिया। ईडी की अटैचमेंट्स में सिसोदिया की संपत्ति करीब 41 लाख है, जबकि उन पर करोड़ों के घोटाले का एलिगेशन लगाया गया है। आतिशी ने ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार की एक कठपुतली करार दिया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर यह खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपए है, 5,07,600 रुपीस। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया।